नमस्कार फ्रेंड्स आपका स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के आ, स्वाध्याय सत्र में किताब मिर्दाद में बहुत ही खूबसूरत किताब है इसके लेखक मिठाइल नेमी है और ये गागर में सागर के समान है इतनी छोटी किताब में इतना ज्ञान है आप इसको अवश्य पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो आगे हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में ऐसा होता है कि मठ में एक उत्सव है जिसमें बहुत सारे लोग आसपास के गांव के आए हुए हैं दूर दूर से लोग आए हुए हैं और मिर्दाद उनमें सब बहुत सारी संपत्ति मठ की बांटता है और उनको वो लोग खा रहे हैं पी रहे हैं खुशियाँ मना रहे हैं और साथ ही मिर्दाद उनको संदेश देता है सत्यता का प्रवचन उपदेश देता है तो बनून नाम का शिष्य थोड़ा उदास है वो कहता है कि मास्टर आपने इतना सब उनको संदेश दिया लेकिन क्या वो सुनने के लिए तैयार थे वो तो खाने पीने उत्सव मनाने में लगे हुए थे तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कुछ छोटे मनुष्यों को चुने हुए मनुष्यों को हम ये संदेश दें अपना तो मिर्दाद कहता है कि नहीं तुम्हारे जो शब्द हैं वो उन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे जिनको उनकी ज़रूरत है और वो तुम तक आ जाएंगे ऐसे ही तुम्हारे इसलिए अपने शब्दों को हमेशा मैसेंजर ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का संदेश वाहक बना के रखो और इसीलिए ऐसे ही तुम्हारे विचार जो हैं उन व्यक्तियों तक ज़रूर पहुंच जाएंगे जो उन विचारों को ढूंढ रहे हैं और वो तुम तक खींचे चले आएंगे इसलिए आपने अपने विचारों को हमेशा लविंग अंडरस्टैंडिंग से भरे रखो दिव्य ज्ञान से प्रेम से विचारों विचारों को भरा भरा रहना चाहिए जिससे कि वो विचार जहाँ भी फैले वो मनुष्यों को आप उस ओर खींचे उस लविंग अंडरस्टैंडिंग की तरफ खींचे तो मिर्जा कहता है कि इस अनंतता में सब कुछ संभव है इसलिए कभी मनुष्य के मुक्ति के लिए निराश नहीं होना है हमको बल्कि हमको इस इस संदेश को जो हम यहाँ फैलाने आए इसको पूरे जोश और उत्साह के साथ फैलाना है तो नरोंदा कहता है कि मास्टर आपको शमदान ने एक बार गड्ढे में घिरा मारने की कोशिश की एक बार राजा के साथ गिरफ़्तार करवाया और वो आपके इस तरह से पीछे पड़ा हुआ है क्यों ऐसा है तो मिजरात कहता है कि ये सारी जो लड़ाई है ये आधिपत्य की लड़ाई है इस संसार में इस इस संसार में पूरे इस दुनिया में धरती में आधिपत्य की लड़ाई चल रही है मिजरात का कहना है कि सारे घरों परिवारों से ये शुरू होती है फिर ये संस्थान में व्यापारिक केंद्रों में मठों में मंदिरों में राजनीति में इस पूरी दुनिया में आधिपत्य की लड़ाई चल रही है और ये ऐसा होता है कि जो व्यक्ति के पास ऑलरेडी पावर है जो अधिपति बन के बैठा हुआ है वो अपने उस आधिपत्य को बनाए रखने के लिए लड़ रहा है और जिनके पास नहीं है वो उसे पाने के लिए बेचैन है संघर्ष चल रहा है तो ये कहते हैं कि मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये एक शराब की तरह है जो उसके जीवन को खा रही है उसको नहीं समझ में आता है ये आधिपत्य की लड़ाई ले तो हमें करना क्या है असली आधिपत्य क्या है दाद कहता असली आधिपत्य है होली अंडरस्टैंडिंग दिव्य ज्ञान जो ईश्वर का प्रेम है क्यों क्योंकि उसको किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं है उसके बाजू जो है उसकी बाहें वो प्रेम की बनी हुई है वो सबको स्वीकार करता है उसके लिए को कहीं किसी को अस्वीकार नहीं करता और वो सूखे हृदयों के ऊपर ओस की बूंद की तरह टपकता और उसको कभी किसी को डर दिखाने की ज़रूरत नहीं है वो वो फियरलेस है वो कभी किसी को डर दिखा के अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं करता क्योंकि डर कौन दिखाता है फ्रेंड्स डर दिखाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कमज़ोर हो भीरू हो कायर हो तब तो आप क्या करते हो आप डर से विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हो दूसरों के ऊपर और इसको बहुत खूबसूरती से अगले चैप्टर में मेरदाद ने बताया भी है तो जो हमारी होली अंडरस्टैंडिंग है जो हमारा दिव्य ज्ञान है ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वो अपने आप ही लोगों को उसकी सुगंध खींच लेती है उसके लिए हमें किसी अधिकार की ज़रूरत नहीं है तो फ्रेंड्स आगे एक बड़ा ही रोचक सा एक सपना है जो आप सुने और सुन के आप पाएंगे के कि कितनी खूबसूरती से मकदार ने इस संसार को डिस्क्राइब किया है तो ये सपने में ऐसा होता है कि मिकेन नाम का शिष्य कहता है कि मास्टर मैंने एक सपना देखा और आप मुझे बताएं कि उसका क्या मतलब है उस सपने में मैं एक नदी के किनारे बैठा हूँ नदी के किनारे खड़ा हुआ हूँ और वो नदी के किनारा जो है बड़ा चौड़ा सा है और वहाँ पर बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चे हैं वो घूम रहे हैं लेकिन सबके हाथ में एक पहिया है चक्र है जिसको वो चला रहे हैं जैसे कि हम बचपन में देखते थे कि बच्चे टायर से खेलते थे ऐसा वो पहिया चला रहे हैं यहाँ से वहाँ चलाते हुए घूम रहे हैं और उस बहुत सारे उन्होंने रंगीन अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं सजे हैं सारों और वातावरण ऐसा है वो खा रहे हैं पी पी रहे हैं कुछ लोग रो भी रहे हैं इस तरह से ये चल रहा है और उन सब के बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ अकेला जो कि वस्त्रहीन हूँ नग्न हूँ और मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनकी भाषा क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और आ, मैं वो लोग मुझे ऐसी विचित्र निगाहों से देख रहे हैं और काना फूसी भी कर रहे हैं ये कौन है देखो कैसा खड़ा हुआ है और तभी क्या होता है कि अचानक एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है उस वो जो जहाँ वो जो किनारा है उसके आसपास एक नदी बह रही है उसके साइड में और उस नदी के पार कोई नहीं जा सकता लेकिन ऐसा विज्ञान कहता है और तभी बहुत तेज़ एक आवाज़ आती है आ, बहुत ज़ोर की और सारे मनुष्य जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं खेल रहे हैं खाना पीना कर रहे हैं वो एकदम नतमस्तक होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं दोनों तरफ और बीच में वो एक जगह छोड़ देते हैं और मिकैन कहता है कि मैं उस बीच की जगह में खड़ा हुआ हूँ और मैं देखता क्या हूँ कि सामने से बिजली की गति से एक बड़ा सा सांड चला आ रहा है उस सांड के नथनों से मुंह से आग निकल रही है धुआं निकल रहा है और वो सब के सब जमीन में पड़े हुए हैं सर टेक के अपना लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना और मैंने सोच रहा हूँ कि आज ये सांड मुझे मार देगा लेकिन जैसे ही वो सांड मेरे पास आता है मुझे ऊपर उठा लिया जाता है और ऊपर उठता मैं चला जाता हूँ सांड मेरी तरफ आग फेंक रहा लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा और मैं ऊपर उठते हुए नदी पार करके दूसरी तरफ़ जाता हूँ एक निर्जन सूर्य से जलती हुई ज़मीन है उसके बाद एक पहाड़ है वहाँ में जाता हूँ और मैं पहाड़ चढ़ने की कोशिश करता हूँ वह एक पतली सी पगडंडी है तो मैं उस पर चढ़ रहा हूँ और जब मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ थोड़ी दूर जा मैं देखता हूँ कि अरे पास में तो बड़ा ही चौड़ा सा एक रास्ता है जहाँ पर बहुत सारे स्त्री पुरुष हैं तो मैं उस अपनी पगडंडी से उस रास्ते पर जाने की कोशिश कर ही रहा हूँ लेकिन मैं देखता हूँ कि उस रास्ते पर तो स्त्री पुरुष चढ़ रहे हैं और कुछ लोग कुछ दूर पहुँच रहे हैं कुछ और आगे पहुँच रहे हैं और फिर वो लुढ़क लुढ़क के वापस नीचे गिर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ ये क्या हो रहा है तो मैं अपनी पगडंडी पर ही चलता रहता हूँ और वो जब गिर रहे हैं वो लुढ़क रहे हैं तो जैसे गुलाटी लगाना कहते हैं रोल हो के गिर रहे हैं तो वो उनके मुंह से आहें निकल रही हैं उनको दर्द हो रहा है लुढ़कने में गिरने में वो जारी है सिलसिला इस तरह का तो फिर मैं चढ़ते हुए ऊपर जाता हूँ तो वहाँ बहुत सुंदर मैं समुद्र उसकी चोटी के पास पहुँच जाता हूँ वहाँ पे बहुत ही पहाड़ की चोटी के पास एक जगह है बड़ी खूबसूरत जहाँ पे एक मखमली घास लगी हुई है सुंदर हवा चल रही है और मुझे बड़ा ही स्वतंत्रता का एहसास हो रहा है वहाँ पे और मैं थक गया हूँ तो मैं सो जाता हूँ सो के जब मैं उठता हूँ तो मैं देख, मुझे लगता है कोई मुझे हिला रहा है और मैं देखता हूँ एक बड़ी खूबसूरत सी स्त्री है लड़की जिसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए चमक रही है जो मैं बहुत खुश होता हूँ और जो मुझे उस समय महसूस होता है एकदम स्वच्छंदता जो मुक्ति का एहसास होता है वो मेरे से कहती है कि उठो और देखो छोटी पहाड़ के पास ही है और वहाँ पर बसंत जो है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ऐसा वो मुझसे बोलती है और मैं उठ के एक कदम बढ़ाता हूँ और मेरा सपना टूट जाता है तो वो कहता है मास्टर बड़ा ही मुझे दुख हुआ मुझे जो एहसास वहाँ पहुँच के हो रहा था स्वच्छंदता का मुक्ति का एकदम स्वतंत्रता का और वो जो स्त्री थी उसका जो साथ था वो इतना खूबसूरत था कि मुझे बड़ा ही दुख हुआ मेरा सपना टूटा तो आप मुझे बताइए कि वो सपना क्या था आखिर तो मिर्दाद कहता है वो जो सपना था वो था द ग्रेट नस्टाइल नोस्टाल्जिया यानी होम सिकनेस यानी हमारे घर वापसी की जो हमारे अंदर बेचैनी रहती है कि मुझे घर की याद जिसको हम बोलते हैं वो था तो बोले ये नोस्टाल्जिया जो है वो एक बुखार की तरह है जैसे बुखार शरीर को ताप देता है वो आपके हृदय में आता है वो आपके हृदय को घेरता है और आपके अंदर ये इच्छा बेचैनी होती है कि बस अब मुझे अपने असली घर वापस जाना है कितनी प्यारी बात है ये फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने इसको पढ़ा तो वो कहता है कि मिदार आगे सपने को बताता है बहुत ही प्यारे ढंग से उसने बताया है कि वो जो मनुष्य स्त्री पुरुष जो नदी के किनारे अपना अपना व्हील चला रहे हैं अपना अपना पहिया चला रहे हैं वो क्या है वो समय से बंधे हुए स्त्री और पुरुष हैं वो अपने अपने समय के पहिए में फंसे हुए हैं चला रहे हैं चलाते जा रहे हैं और उन्होंने बहुत रंगीन वस्त्र पहने आडंबर से युक्त हैं वो और तो वो आडंबर क्या है वो वो वही सब है जो जिनमें मनुष्य फंसा हुआ है तरह तरह के खाना पीना पहनना बोलना ये सारे आडंबर इन सब में वो फंसे हुए हैं लेकिन तुम वस्त्रहीन हो क्योंकि तुम उन सब आवरणों से मुक्त हो चुके हो और तुम खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हो क्यों क्योंकि तुम्हारी अब रुचि समाप्त हो गई तुम्हारा मन कहाँ लग गया है तुम्हारा मन लग गया है वापसी में ईश्वर के पास वापस जाने में तुम्हारा मन लग गया है और तुम इसलिए अपने आप को ऑकवर्ड फील कर रहे हो तुमको अजीब लग रहा है तुम इनकी भाषा भी नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुम, तुम सब उनसे ऊपर उठ चुके हो और वो जो नदी है जिसको कोई पार नहीं कर सकता वो नदी आप पांच सेंसेस से नाव से जिसको हम बोल सकते हैं अपने नाव से या कि अपने तैर कर पार नहीं कर सकते उसको केवल विचारों के द्वारा पार करना ईश्वर को पाने के लिए हम इन पांच सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्रेंड्स तो कहते हैं कि और वो जो बैल जो चढ़ा आ रहा है जिसको देखते साथ सब नतमस्तक हो गए और गिर पड़े बीच में रास्ता छोड़ के वो क्या है वो है ईश्वर का भय वो मनुष्य जो है वो उस भय में जी रहे हैं ईश्वर के लेकिन तुम साधक हो तुम उस भय से ऊपर हो तो जैसे ही वो भय तुम्हारे पास आता है तुम ऊपर उठ जाते हो उठ जाते हो तुम्हें ऊपर उठा के ले जाया जाता है उस नदी को पार करा दिया जाता और उस पहाड़ तक तुम पहुंच जाते हो और वो जो पहाड़ पे जो स्त्री पुरुष चढ़ रहे हैं वो कौन है उनको मिर्दात कहता है मैन एंड वुमेन ऑफ स्मॉल नोस्टालजिया उनके अंदर ईश्वर को पाने की तड़प तो है वो चाहते हैं ईश्वर को पाना लेकिन उनका गाइड कौन है उनको मार्ग कौन दिखा रहा है उनको मार्ग दिखा रहे हैं हमारे पांच सेंसेस हमारी आँख नाक कान मुंह ये जो है तो ये कहते हैं कि आप जिसको पाने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या आप उसको आँखों से देख सकते हैं या कानों से सुन सकते हैं अगर आप इससे प्रयास करेंगे इस तरह से प्रयास करेंगे छोटे स्तर पर तो आप उसको नहीं पा पाएंगे तो आप करते क्या है कि आप चलते हैं उस रास्ते पर कोई उस पहाड़ के जो पहाड़ जो इसको हम समझते हैं हमारा विस्तृत स्वरूप उस पहाड़ के कोई टखने तक पहुंच पा रहा फिर लुढ़क जाता है भावना की कमी है कोई उसके घुटने तक पहुंच पा रहा कोई कमर तक भी पहुंच पाता है उस पहाड़ के लेकिन वो ईश्वर को ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि वो गाइडेड है अपने पाँच सेंसेस के द्वारा तो मिरदाद कहते हैं कि जो अव्यक्त है जिसको आप देख नहीं समझ सकते सुन नहीं सकते समझ नहीं सकते Uh, उसको आप कैसे पाएंगे आप विश्वास से पाएंगे केवल और वह विश्वास कहाँ से जन्म होगा वह आपका जो डिवाइन uh, अंडरस्टैंडिंग है डिवाइन इमेजिनेशन है जो आपकी कल्पना शक्ति है उसके साथ जब आपका विश्वास होगा तब उस विश्वास के सहारे आप ईश्वर को पाएंगे और तब आपके जो पांचों सेंसेस हैं सेंस ऑर्गन्स है, हैं ये आपकी पूरी सहायता करेंगे ईश्वर को पाने में ये बहुत ही प्यारी बात है कि जब आपके अंदर वो भरोसा है वो विश्वास हो जाएगा आपके अंदर वो कल्पना शक्ति जो दिव्य कल्पना शक्ति जागृत हो जाएगी तब आप अपने पाँचों सेंसेस का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ईश्वर की तरफ जा सकते हैं ईश्वर को पा सकते हैं तो ये कहते हैं कि लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो ये हमारे सेंसेस हमारे किसी काम के नहीं हैं तो मरदार कहता है कि मिकन तुम बहुत खुश हो जाओ क्योंकि तुम उस पहाड़ तक पहुंच चुके हो ऊपर तक तुम बसंत के करीब आ चुके हो तो तुम आनंद मनाओ उत्सव मनाओ अब ईश्वर तुमसे दूर नहीं है तो आगे मरदार कहता है कि जो हमारे अंदर जो ग्रेट नॉस्टाल जो हमारे अंदर तड़प वाले लोग हैं और स्मॉल नॉस्टाल जिनके अंदर इच्छा तो है पर वो नहीं पा पा रहे उनके बीच में कौन लोग हैं उनके साथ लोग हैं जिनको वो कहता है कि रैबिट मैन खरगोश के रूप में आदमी रैबिट मैन ने क्या किया उन्होंने अपने अपने गड्ढे खोदे हुए हैं उन गड्ढों में वो रहते हैं उन गड्ढों को वो कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर गड्ढे हैं हमारे घर बहुत प्यारे हैं। हम इसमें खुश हैं और उनको जब रास्ता भी दिखाया जाता है कि देखो ये रास्ता है ये ऊपर चढ़ने का रास्ता वो कहते हैं नहीं 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 हमें नहीं जाना हम तो यहीं अच्छे हैं ये गड्ढा ही हमारे लिए अच्छा है तो <laughs> तो फ्रेंड्स इस तरह के तीन कैटेगरी में मनुष्यों को रखा हुआ है मन बिरदाद का कहना है कि ज़्यादातर संसार के मनुष्य जो है वो क्या है वो रैबिट मैन के रूप में रह रहे हैं फिर उसके बाद कुछ मनुष्य स्मॉल नॉस्टालजियाँ उनके अंदर ईश्वर को पाने की इच्छा तो आ गई है लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मालूम वो अपने सेंसेस के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो लोग हैं जिन्होंने जिनको रास्ता आप समझ में आ गया जिनके पास गाइड है वो सही रास्ते पर चल पड़े हैं इसके बाद जो है मिरदार ने एक बहुत अहम चीज़ बताई है जिसको वो कहता है द मदर ओवम ओवम यानी कि एक अंडे के समान वो संसार को मरदार कहता है कि मैं अपने शिष्यों को मैं तुम्हें बताता हूँ कि संसार का रूप कैसा है और उस रूप को मैं एक अंडे के रूप में पिंड जिसको हम बोलते हैं डिम्ब बोलते हैं उसके रूप में डिस्क्राइब करता है तो कहता है कि ये स्पेस जो यहाँ पर है और इसमें मौजूद सारी चीज़ें वो एक ओवम की तरह है एक अंडे की तरह है और उस अंडे की जो सतह है वो किसकी बनी हुई है वो समय की बनी हुई है टाइम की बनी हुई है तो कहता है बिदाद कहता है कि इस ओवम के इस अंडे के चारों ओर जैसे हवा होती है वैसे ही कौन है मैक्रोग है गॉड इवॉल्व जो गॉड अपने विकसित स्वरूप में है और विस्तृत रूप में है और वहाँ पे जीवन है लेकिन वो जीवन कैसा है वो अनंत है लेकिन वो अप्रकट स्वरूप में है वो प्रकट नहीं है वो व्यक्त नहीं है वहाँ पे जीवन की अभिव्यक्ति नहीं हुई है मौजूद तो है पर अभिव्यक्ति नहीं हुई है और इस अंडे के अंदर अंडे के अंदर क्या है ये कहते हैं इसके अंदर जो वो है ईश्वर है वो गॉड इन्वॉल्वड ईश्वर जो कि मिला हुआ है हम सब में सबके अंदर समाया हुआ है वो माइक्रो गॉड है वो सूक्ष्म रूप है ईश्वर और इसके अंदर जो जीवन है वो जीवन कैसा है वो है तो अनंत लेकिन वो व्यक्त हो रहा है अभिव्यक्त हो रहा है हम लोगों के द्वारा प्रकृति के द्वारा तो ये कहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं इस संसार की वो सब कुछ क्या है स्पेस टाइम में जो कुछ भी है वो सिर्फ ओवम है अलग अलग शेप एंड साइज के ओवम्स हैं उन सब के अंदर वही सेम सूक्ष्म रूप में ईश्वर का जो वो है तत्व है वो मौजूद है लेकिन वो कैसे रूप में मौजूद है वो अलग अलग रूप अलग अलग वेरिंग डिग्रीज में प्रकट हो रहा है किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज़्यादा किसी में और ज़्यादा ऐसे प्रकट हो रहा है तो कहते हैं कि जो मनुष्य है उसमें वो सबसे ज़्यादा उसका प्रकटीकरण हो रहा है सबसे ज़्यादा स्पेस टाइम एक्सपेंशन मनुष्य के पास है तो वो सबसे वृहत रूप में मनुष्य में ही प्रकट हो रहा है उससे थोड़े कम रूप में वो जानवरों में पशुओं में प्रकट हो रहा है और उससे कम रूप में वनस्पतियों में पेड़ों में प्रकट हो रहा है इस तरह से नीचे 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 कम होते होते स्केल ऑफ क्रिएशन में वो नीचे जा रहा है अब इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स बहुत डिफ़िकल्ट सा फंडा है लेकिन आप समझिए मिर्दाद का कहना है कि आ, हम लोग क्या हैं एक ओवम उसके अंदर एक और ओवम उसके अंदर एक और ओवम उनका कहना है कि जो वृहद रूप में ओवम है जैसे मनुष्य है मनुष्य का जो ओवम है बड़ा हर मनुष्य के पास एक अपना अंडा है <laughs> अपना ओवम है तो मनुष्य के ओवम में उस उसके जो ठीक नेक्स्ट वाला जो मतलब स्टेज है जो कि पशुओं की पक्षियों की स्टेज है उसका अंडा मौजूद है मनुष्य के जो बड़ा स्पेस टाइम एक्सपेंशन है उसके अंदर वो वो वाला अंडा मौजूद है और जो पशु पक्षियों वाला अंडा है उसके अंदर कौन सा अंडा मौजूद है पेड़ों वाला वनस्पतियों वाला और पेड़ों वाला जो वनस्पतियों वाला अंडा है उसके अंदर कौन सा अंडा मौजूद है उसके अंदर मिनरल्स वाला अंडा मौजूद इस तरह से हम एक के अंदर एक एक के अंदर एक अंडे के अंदर अंडा है <laughs> और उसका जो केंद्र है उसका केंद्र है उसका न्यूक्लियस बीच में एक केंद्र है उस केंद्र से सब कुछ प्रकट हो रहा है वो प्रकट होता है फिर वो अपना अलग अलग रूप लेता हुआ उस वो उस विस्तृत होता चला जाता है उसका स्वरूप विस्तृत होता चला जाता है और अंत में जब उसका सबसे विस्तृत स्वरूप है वो है मनुष्य जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ पहुँच के फिर उसे क्या करना होता है उसे उस अंडे को भेदना होता है वहाँ से तोड़ के वो निकलता है टाइम का जो परत है उसको वो तोड़ के निकल जाता है और अपने विस्तृत स्वरूप में जाके वो मिल जाता है और इसके अलावा जो वो कहते हैं मिर्दाद की मनुष्य के पास अपना स्वतंत्र अंडा है लेकिन बाकी सारे जितने भी इस सृष्टि के हिस्से हैं जैसे कि जीव जंतु हैं पशु हैं तो सारे पशु जो हैं उन एक तरह के पशुओं का एक ही अंडा है एक तरह के पेड़ों का एक ही अंडा है उसमें सब प्रजातियाँ अलग अलग प्रजाति के पेड़ों का अलग अलग एक एक अंडा है उसमें उस प्रजाति के सारे पेड़ हैं तो इस तरह से मनुष्य कहते हैं कि हमारे अंदर भी क्या है मनुष्यों के अंदर हमारे एक अंडे में और एक अंडा है क्या हमारा हृदय का अं, हमारी आँख का अंडा और उस ओवम के अंदर एक और अंडा है क्या उस आँख के पार्ट्स और उन पार्ट्स के अंदर और दूसरा अंडा उसके सेल्स और उसके अंदर जो उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लेके कितने वो बोले ये सब अनंत अन, ओवम्स की श्रृंखला है जो मैंने बोला अंडे के अंदर अंडा <laughs> बड़ा ही थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है तो ये कहते हैं कि आ, ए, अ, जो ईश्वर जो है इन अंडों के अंदर हमारे ओवम के अंदर जैसे ही ईश्वर प्रकट होता है तो वो कैसे प्रकट होता है वो प्रकट होता है गैस के फॉर्म में वाष्प के रूप में प्रकट होता है जो कि फैला हुआ है चारों ओर जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है तरल लिक्विड का रूप लिक्विड के रूप में आता है वो और उसके बाद फिर वो लिक्विड से क्या बनता है वो बनता है पत्थर पत्थर एक जिसका निश्चित स्वरूप है लेकिन उसके अंदर क्या है उसके अंदर बाकी लक्षण नहीं है कुछ भी जीवन के फिर वो क्रिस्टल में आता है जिसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा कॉन्शसनेस आ जाती है जो फिक्स है लेकिन वो उसके बाद फिर वो इसमें पेड़ पौधों में आता है सब्जियों में आता है जिनके अंदर क्या है जो कि ग्रो हो सकती हैं अपने आप को मल्टीप्लाई प्रजनन हो सकता है जिनका और उनसे नई वैरायटी पैदा हो सकती है उनकी और उसके बाद फिर वो क्या आता है और उनके अंदर एक चीज़ और आ जाती है वो फील कर पाती है और उसके बाद जो आता है मनुष्य प्राणियों का जो जीव जंतुओं का समुदाय आता है उसमें क्या होता है कि वो ये इन सब क्वालिटीज़ के साथ वो क्या करते हैं वो फील भी कर पाते हैं वो प्रजनन भी कर पाते हैं लेकिन वो चल पाते हैं मूवमेंट आ जाता है उनके अंदर और मूवमेंट के साथ उनके अंदर थोड़ी सी याददाश्त भी आ जाती है और इन सब के बाद किसका आता है नंबर इसके बाद आता है मनुष्य का मनुष्य के पास विवेक आ जाता है विचारशीलता आ जाती है मनुष्य अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को व्यक्त कर पाता है और मनुष्य के अंदर क्या आता है क्या है रचनात्मकता आती है वो अपने आप को अपने जो अपने अभिव्यक्ति जो है वो बहुत रूपों में कर सकता है तो ये कहते हैं कि हर मनुष्य का जो ओवम है उसकी साइज़ अलग अलग है और वो किस पर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उसकी जागृति कितनी हुई है जितना जागृत उसका स्वरूप है उसका जो ओवम है उसका जो अंडा है उसका साइज उतना ही ज़्यादा है और इनके अंदर जो मौजूद ईश्वर है वो हर पल अपने आप को मुक्त कर रही है, जैसे ही वो केंद्र में से पैदा हुआ उसके अंदर एक इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस उसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए वो कर रही है प्रेरित कर रही है और वो इस इंटेलिजेंस के चलते हुए अलग अलग रूपों में तरल गैस उसके बाद प्लांट उसके बाद जीव जंतु जो प्राणी पशु और फिर मनुष्य में आती है और वही उसको प्रेरित करती है इंटेलिजेंस किस चीज़ के लिए मुक्त होने के लिए और हर मनुष्य को इसलिए हमको निराश कभी नहीं होना चाहिए हर मनुष्य को मुक्ति तो मिलेगी ही क्योंकि उसके अंदर वो इंटेलिजेंस है तो फ्रेंड्स आगे मिरदार ने कुछ छोटी छोटी सी बातें बोली जिसको वो कहता है स्पार्क्स अपॉन द गॉडवर्ड पाथ ईश्वर के रास्ते चलने के लिए कुछ थोड़े से विचार हैं जो आपकी मदद करेंगे तो विचार में आपको कुछ सुनाती हूँ बहुत सारे हैं चार पाँच मैंने आठ दस मैंने चुने हैं मैं सुनाती हूँ वो कहता है मिर्दाद की कि, किसी भी तरह की बहस तर्क वितर्क में नहीं पड़ना क्योंकि जो सच्चाई है वो तो स्वयं सिद्ध है उसको कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता तो हमें कभी किसी तर्क के द्वारा किसी को प्रूफ करना नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि कोई चीज़ को अगर आप प्रूव करते हैं इसका मतलब उसका जो विपरीत है अपोजिट है उसको आप डिसअप्रूव कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई विपरीत नहीं है उसका कोई अपोजिट नहीं है इसलिए हमें कभी भी किसी को प्रूव नहीं करना और ये बहुत सारा बर्डन आपके सर से उतार देगी फ्रेंड्स जब आपको पता चलेगा कि आपको कहीं कभी कुछ प्रूव नहीं करना है तो ये दूसरी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इरदाद कहते हैं कि हम अपने चारों ओर जो भी व्यक्ति वस्तु चीज़ें हैं उनसे भोजन ले रहे हैं लगातार मानसिक भोजन और हम भी उन सब का मानसिक भोजन है तो हमें अपने आप को एक संपूर्ण स्वरूप में रखना है जिससे कि हमें भी भोजन अच्छा मिले और उनको भी भोजन अच्छा मिले इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए मैं आपसे मिली आपके अंदर बहुत प्रकाश है बहुत मिठास है तो क्या होगा मेरे अंदर वो प्रकाश और मिठास आ जाएगा और जब मेरे अंदर वो प्रकाश और मिठास आ जाएगा तो वो मेरे अंदर से चारों ओर फैलेगा और आप तक भी वापस जाएगा और मेरे तक तर, चारों तरफ जो कुछ भी है वहाँ पे जाएगा लेकिन अगर मेरे घर में कोई सामान रखा और मैं कह रही हूँ ये तो बेकार हो गया है ये पुराना हो गया है कबाड़ी को देने लायक हो गया तो क्या हो गया मेरे अंदर भी बहुत सारा एक असंतोष जन्म लेगा और वो जो चीज़ है जिसको मैं बुरा कह रही हूँ उसमें भी बहुत सारा असंतोष जन्म लेगा और फिर ये इस तरह से हमारे बीच के जो है मेरा मेरा व्यक्तित्व भी इससे पॉइजनस हो गया फिर इत कहते हैं कि ये पॉइनस हो जाते हो और उसका व्यक्तित्व भी पॉइजनस हो गया इस विचार से और फिर ये चीज़ फैलती है मेरे द्वारा और भी कहीं जाएगी इसके उसके द्वारा भी कहीं और फैलेगी जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रही हूँ तो हमको हमेशा अपने विचारों को होलसम रखना है जिससे हमारा मानसिक भोजन और हमारे आसपास की सारी चीज़ों का सारे मनुष्यों का मानसिक भोजन संपूर्ण हो तो फ्रेंड्स हमेशा मिठास से हमेशा खुशियों से हमेशा उल्लास से भरे हुए रहिए तो आगे मीरदार कहते हैं कि जब भी, भी आपको डाउट हो कहीं शक हो तो आप खड़े हो जाइए स्टैंड स्टिल चुप विचार करिए तभी आगे बढ़िए फिर मीरदार कहता है कि जो भी आपके रास्ते में रोडा पत्थर है जहाँ आप जो जिससे आप टकरा रहे हो कोई चीज़ आपके जीवन में आई जो आपको हिला रही है वो एक चेतावनी है तो अगर आप उस चेतावनी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो जो पत्थर जिससे आप जिसने आपको हिलाया वो एक मशाल की तरह बन जाता है जो कि आपके रास्ते को रोशन कर देता है तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान दीजिए क्या है कि आपके रास्ते के पत्थर जो है वो क्या बता रहे हैं आपको और एक ये वाली बात जो कि मैंने पहले दान में भी बोली थी ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मिर्जाद कहता है यू बोरो एवरी थिंग यू गिव सो लॉन्ग एज यू आर कॉन्शियस ऑफ गिविंग आप कोई भी चीज़ अगर किसी को ये सोच के देते हैं कि मैं ये दे रहा हूँ ये मैंने दान दिया या बोलते हैं मैंने इतना किया तो आपने क्या किया आपने दिया नहीं आपने ले लिया उल्टा वो आपके ऊपर उधार हो गई इसलिए कभी भी आप अगर आप दाएं हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए और सच्चाई तो ये है मिर्ज़ाद का कहना है कि आप कभी कुछ दे ही नहीं सकते आपका आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप दे सकते हैं जो भी कुछ आप दे रहे हो वो आपके पास सेफ़ कीपिंग के लिए आपके पास रखा गया है सुरक्षा के लिए आपकी जो आप दे रहे हो और जो आपका खुद का है अपना वो आप कभी किसी को नहीं दे पाओगे <laughs> और दूसरी बात मिरदार कहता है कि कहीं कोई गरीबी या अमीरी नहीं है इस संसार में केवल नैप ऑफ यूजिंग थिंग्स चीज़ों को यूज़ करने का तरीका है बस वही गरीबी और अमीरी है अगर आ, मिर्दार का कहना है कि जो व्यक्ति वाकई में गरीब है वो क्यों है उसको जो दिया गया है उसके जो उपहार हैं ईश्वर ने जो टैलेंट्स दिए हैं या जो भी कुछ उसके पास है उसको उसका गलत इस्तेमाल वो कर रहा है इसलिए वो गरीब है और जो व्यक्ति अमीर है वो क्यों अमीर है क्योंकि तो वो उन सभी चीज़ों का जो टैलेंट्स जो कुछ भी ईश्वर ने उसे दिया है उसका सही इस्तेमाल कर रहा है इसलिए वो अमीर है जो भी चीज़ निकल रही है वो क्या है वो मार्बलस है अद्भुत है है ना उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता उसकी कोई कॉपी भी नहीं किया जा सकती की जा सकती और वो वर्दी है वो लायक है कि उसको प्रेम किया जाए उसको उसका आदर सम्मान किया जाए तो हमें छोटी से छोटी वो वो कहता है मिर्जात कहते हैं कि वो एक कला का नमूना है तो छोटी से छोटी चीज़ की भी प्रगति से निकली हुई हमें आदर करना चाहिए हमें सम्मान करना चाहिए हमें रिवर करना चाहिए उसका तो मिर्जात कहते हैं कि इसलिए सारे जितने भी रिवर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जितने फॉर्म्स ऑफ लाइफ है हमें सबका आदर करना चाहिए क्योंकि सबसे हो सकता है सबसे छोटी चीज़ जिसको आप मानते हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए इसलिए सबका आदर करना चाहिए तो अब चूंकि नेचर का वर्दी ऑफ लाइफ है एक चीटी की भी आप इज़्ज़त करेंगे अगर तो मिर्जाद कहता है जब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों की इज्जत करते हैं तो अपने साथी मनुष्यों की क्यों नहीं कर सकते <laughs> बहुत ही खूबसूरत प्यारी बात मिरदाद ने कही है और फिर आगे मिरदाद कहते हैं कि अगर आप किसी के मार्गदर्शक हैं आप किसी को रास्ता दिखा रहे हैं कोई आपके पीछे है तो आप उसको एक बार नहीं दो बार नहीं सौ बार भी अगर वो गिरेगा तो आपको उठाना पड़ेगा जब तक कि वो खुद ना चलना सीख जाए आपको उसको सहारा देना ही पड़ेगा तो फ्रेंड्स ये बात हमेशा ध्यान रही तब तक उसको उठाते रहिए जब वो खुद चलना ना सीख जाए आगे नेक्स्ट वाला भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जैसे अमीरदार कहता है कि जीवन जो है एक वो बुखार की तरह के उन्माद की तरह जैसे बुखार में आदमी डिलेरियम में आ जाता है और एक ही तरह की बातें करता है बोले मनुष्य भी उसी तरह से अपने जीवन को जी रहा है एक उन्माद की तरह और ये तरह तरह के उन्माद लोगों में फैले हुए हैं किसी के अंदर धन की पिपासा है वो दौलत पैसा कमाने का उन्माद है किसी के अंदर नशे का उन्माद है कि उसको पीना पसंद है तो बस उसका ध्यान उसी में लगा रहता है किसी के अंदर खाने पीने का उन्माद है कि बस उसको 24 घंटे ये ये बनाना ये खाना ये इस तरह से मनुष्य फंसे हुए हैं तरह तरह के अपने उन्मादों में फंसे हुए हैं लेकिन अच्छी बात क्या अच्छी बात ये है कि ये उन्माद जो है ये ट्रांसम्यूटेबल है यानी कि ये बदल सकते हैं एक उन्माद से दूसरे उन्माद में बदल सकते हैं जैसा कि हमने पुराने भी अपने ग्रंथों में देखा वाल्मीकि अंगुली माल इत्यादि को जिन्होंने तुरंत अपने जीवन को बदल दिया तो कहते हैं कि जो फीवर किसी के अंदर युद्ध का उन्माद है लड़ाई का वो हो सकता है कि वो शांति के उन्माद में बदल जाए और किसी के अंदर पैसा इकट्ठा करने का जो उन्माद है हो सकता है वो प्रेम इकट्ठा करने के उन्माद में बदल जाए तो इस तरह से ये हमारे आत्मा का विज्ञान है मीरदार्थ कहता है जो कि अद्भुत है जिसके बारे जिसके बारे में हम लोगों को जानना है और लोगों को सिखाना है समझाना है और फिर आगे नेक्स्ट में मीरदार्थ कहता है कि अनेक अर्थ ढेर सारी धरती जो है पृथ्वियाँ इस विस्तृत ब्रह्मांड में घूम रही हैं स्पिन कर रही हैं और वो क्या है हमारी वाली जो है उन सब में वो सबसे ज़्यादा यंग है जवान है अभी छोटी है उम्र में लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कामनाओं से वासनाओं से भरी हुई है हमारी पृथ्वी फिर वो मिटदार जो लास्ट वाला है उसमें कहते हैं कि अपनी उंगलियों को देखिए और आप, आप ये जान जाएंगे कि असमानता में समानता कैसे है हर उंगली का शेप साइज अलग है लेकिन सारी समान है, है ना प्यारी बात तो फ्रेंड्स यहाँ हम मिरदाद की बुक का अंत करते हैं इसके बाद जो मैं जैसा मैंने पहले बताया था कि मिर्दाद ने अपने शमदान को छोड़ के बाकी साथियों को और साथ लिया और वो प्रकाश में विलीन हो गए अपने मठ की सारी संपत्ति को बांट दिया शमदान चूँकि शापित था तो वहाँ बैठा रहा अब मिर्दाद जब आएगा तब उसको मुक्त करेगा इसलिए तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र था मिर्दाद का मैंने इससे बहुत कुछ आ, सीखा अपने जीवन में और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने सीखी वो थी मैंने समर्पण और साहस क्योंकि जब ये किताब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर एक भय व्याप्त हो गया क्योंकि ये मैं मुझे लगा कि ये इतनी कठिन किताब है मैं इसे कैसे समझा पाऊँगी क्या मैं इस लायक भी हूँ मेरे अंदर ये भावना बहुत ज़्यादा आ गई लेकिन फिर मैंने पूरी तरह से पूर्ण तरह समर्पण कर दिया मैंने सोचा कि आ, मैं से मेरे से जैसा बनेगा मैं बताऊंगी और आगे जो लोग सुन रहे हैं वो जैसा समझ रहे हैं वो जो भी इसके बारे में बोलूंगी बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगी तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा खुल के आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि मैं इस बार मैं इस किताब को समझा पाई कि नहीं और इससे जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमें मिला वो तो फ्रेंड्स अपने जीवन की जो है पहली लर्निंग कि अगर आपको अपने आप को पाना अपने आप के अंदर के ईश्वर को पाना है तो उसको मिखाया नहीं मैंने कितनी खूबसूरती से किताब की शुरुआत में बताया सब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा पूर्ण समर्पण में सब कुछ आपसे छुड़ा लिया जाएगा कैसे उन्होंने बताया कि उनके सारे कपड़े खाना पीना सब कुछ एक मेटाफोरिक रूप में उन्होंने बताया है लेकिन ये इस बात का संदेश है कि जिस क्षण आप अपना मैं त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे उस क्षण ईश्वर आपके सामने है <laughs> तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं अब आप इस किताब को पढ़िए और खुद डिस्कवर करिए क्या क्या आपको इस इस किताब से महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलनी है आपके जीवन में क्या बदलाव आने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस का आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना बहुत खूबसूरती से सुना आपका जीवन बहुत सुखमय हो धन्यवाद